इंटरनेट पर चल रहे 10 ईयर चैलेंज का क्रेज खूब देखा जा रहा है, जहां लोग साल 2009 और 2019 की फोटो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब इस चैलेंज पर राजनीति भी तेज हो गई है और इस सियासत में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने 10 साल पुरानी फोटो की तुलना आज की फोटो से कर पीएम मोदी पर जमकर वार किया है। उन्होंने मुद्दा भी ऐसा उठाया जिस पर मोदी सरकार पहले ही मुश्किल में है। सोशल मीडिया पर जो भी ट्रेंड चलता है उससे राजनीति भी अछूती नहीं रहती, चाहे फिटनेस चैलेंज हो या फिर 10 ईयर चैलेंज। सियासतदान भी इन चुनौतियों के सहारे विरोधियों पर वार करते हैं। जब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का फिटनेस चैलेंज सामने आया था तब भी कांग्रेस ने जमकर चुटकी ली थी और अब 10 ईयर चैलेंज पर भी कांग्रेस ने तस्वीरों के सहारे पीएम मोदी पर तीखे तीर छोड़े हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राम मंदिर और बीजेपी हेडक्वार्टर की तुलना कर मोदी सरकार पर वार किया। उन्होंने एक तस्वीर में राम मंदिर के पत्थर की तस्वीर लगाई और बताया कि 2009 में भी ऐसा था और 2019 में भी पत्थर वही रखे हुए हैं, यानी राम मंदिर के निर्माण कार्य में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राम मंदिर की तुलना बीजेपी मुख्यालय से की। उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर की 2009 और 2019 की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि 10 सालों में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि एक साल पहले ही बीजेपी ने अपना ठिकाना बदला है। 11 अशोक रोड की जगह अब 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का कार्यालय है। आधुनिक सुविधाओं के साथ बना पार्टी का ये मुख्यालय बहुमंजिला इमारत में है, जिसमें 3 ब्लॉक है। यह ऑफिस 8000 स्क्वायर मीटर में फैला है। ऑफिस के बिल्डिंग में एक पार्क भी है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी पढ़ने लिखने के लिए बनाई गई है। देश में मोदी सरकार बनने के बाद करीब 1.5 साल में ही ये दफ्तर तैयार हो गया था, लेकिन राम मंदिर की तस्वीर जस की तस है, जिसे लेकर ही थरूर ने बीजेपी पर हमला बोला। वहीं सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही है, जिसे लेकर लोग बीजेपी सरकार पर धंस कस रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।